हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? चलिए, तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं रुक जाना नहीं परीक्षा 2023 के बारे में। जिन भी बच्चों का 10th और 12th में दो 10th क्लास में 2 से अधिक विषयों में फेल हुए हैं और 12th क्लास में 1 से अधिक विषय में फेल हुए हैं, उन सभी के लिए ये योजना है रुक जाना नहीं योजना। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। इसकी जो है फॉर्म फिल करने की स्टार्ट डेट है वो 16/5/2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। साथ ही इसकी लास्ट डेट है 4/6/2023, यानी कि ये मई चल रहा है तो जून 4 तारीख तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। तो इस परीक्षा में 10th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं, क्योंकि अभी 10th और 12th का रिजल्ट आया हुआ है और जिन अभ्यर्थियों के 10th और 12th में पास नहीं हुए हैं उन सभी के लिए योजना है। अगर किसी बच्चे के 10वीं में 2 विषयों में फेल हो जाता है तो वो तो अपना सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर के पास हो सकता है, लेकिन जिसको 2 से अधिक विषयों में फेल हो जाता है या हो गया है तो उसके लिए ये योजना है रुक जाना नहीं योजना। इस योजना के तहत वो अपना फॉर्म भर के अपनी पढ़ाई कर सकता है और इसमें पास होने के बाद में वो सामान्य बच्चों की तरह 11th क्लास में पहुंच जाएगा। वैसे ही 12th के बच्चों के लिए जो है, अगर एक विषय में फेल होता है तो वो सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर के अपना परीक्षाएं दे सकता है, लेकिन जो बच्चा 2 विषयों में फेल हुआ है उसके लिए रुक जाना नहीं योजना के तहत वो फॉर्म भर के अपना एग्जाम दे सकता है और पास हो सकता है और 12वीं उत्तीर्ण हो जाएगा। साथ ही बात करते हैं मान्यता के बारे में। तो इसकी मान्यता जो है, रुक जाना नहीं योजना की मान्यता भी सेम जैसे जो नॉर्मली होती है मार्कशीट एमपी बोर्ड से जो बन के आती है वैसी ही मान्यता होती है। आप किसी भी तरह का कोई भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, इससे भी सब सेम टू सेम आपके उसी के जैसा होने वाला है। चलिए तो देखते हैं इसमें जो है फीस क्या रहने वाली है। जो भी फॉर्म भरने वाले हैं रुक जाना नहीं कहा तो उनके लिए फीस कितनी रहेगी? अगर 2 विषयों में सुप्लीमेंट्री आती है तो उसको सुप्लीमेंट्री लेंगे, तो क्योंकि उसके लिए तो आप 2 विषयों में फॉर्म भर के और सप्लीमेंट्री का पेपर दे दोगे, लेकिन 2 से अधिक विषयों में आती है आपकी बैक या फिर आप फेल होते हैं तो आप जो है इसके तहत फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चा जो है जिसका 3 विषयों में फेल हुआ है तो वो अपना फीस जो है उसको जो है सामान्य जो है उसको लगने वाली है 1500 रुपये, और जो जिनके पास में बीपीएल कार्ड है फीमेल या 40% जो विकलांग है उसके लिए लगने वाली फीस 1010 रुपये। जो भी अभ्यर्थी 4 विषय में फेल हुआ है उसके लिए फीस लगने वाली 1760 रुपये, और जो है इनके पास में कार्ड है उनको लगने वाली है 1160 रुपये। साथ ही जो 5 विषय में फेल है उनके लिए लगने वाली 2010 रुपये, और यहाँ पे बीपीएल कार्ड वालों को लगने वाली है 1310 रुपये। वैसे ही 6 विषय में अगर कोई फेल है तो उसके लिए लगने वाली है 2060 रुपये, और यहाँ बीपीएल वालों के लिए लगने वाली है 1360 रुपये। वैसे ही 12th की बात करते हैं हम, जो विद्यार्थी 12th क्लास में फेल हुए हैं या जिनके 2 या 2 से अधिक विषयों में फेल हुए हैं, जैसे कि कोई बच्चा 2 विषयों में फेल हुआ है तो वो अपना फॉर्म भरेगा तो सामान्य से है तो उसको 1460 रुपये लगने वाले हैं। अगर उसके पास में किसी भी प्रकार का जैसे बीपीएल कार्ड है फीमेल और 40% विकलांग है तो उसके लिए 960 रुपये लगने वाले। वैसे ही अगर 3 विषयों में फेल हुआ तो 1710 रुपये लगने वाले हैं और बीपीएल वालों के लिए 1110 रुपये लगने वाले हैं। 4 विषयों में फेल हुआ था 1960 लगेंगे और यहाँ पर बीपीएल वालों के लिए 1260 रुपये लगने वाले हैं। वैसे ही 5 विषयों में अगर फेल हुआ है तो उसको 2210 रुपये लगेंगे और यहाँ पर 1410 रुपये लगने वाले हैं। तो जो भी बच्चे फेल हुए हैं वो कृपया अगर समय से पहले यानी 4 जून का इंतजार ना करें, आप पहले ही अपना फॉर्म भर दें और अभी से तैयारी में लग जाएं ताकि आप जो है पुनः इस तरह की फेल हुए हैं या किसी कारणवश आप रह गए हैं परीक्षा में तो आगे से ये गलती आप दोबारा ना दोहराएं। असफलता हुई है, असफलता को स्वीकार करो, असफलता को स्वीकार करो और क्या कमी रह गई उसमें सुधार करो। तो प्यारे दोस्तों, तब तो आप लग जाइए आगे। अगर इसके बारे में और भी कोई अपडेट आता है तो वो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे, और कोई आपका क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, जय हिंद।